नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की UP SSSC मंडी परिषद की क्लास में आज आप लोग का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, और दोस्तों अब आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो की। बात करते हैं दोस्तों आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का आप लोग देख सकते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहा ये, यदि 16 - 2 = 2 और दिया है आपको यहाँ पर 9 - 3 = 0, 81 - 1 = 8, तो आपको बताना है यहाँ पर 64 - 4 क्या होगा। आपके ऑप्शन रहे 4, ऑप्शन है आपका बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 6 और ऑप्शन 4 है आप लोग का यहाँ पर 8। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोग में से कौन इस क्वेश्चन को सबसे पहले लगा पाता। तो मैं कुछ टाइम दूंगा आप लोग को यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर कौन इस लॉजिक को समझ सकता है। ओके, तो कोशिश किए दोस्तों आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लॉजिक समझिए इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसमें करना है क्या है आप लोग को, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले दिया गया 16 - 2 = 2, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखे हैं हम लोग, 16 = 2, ठीक है ना, 16 = 2। ये जो 2 आपका माइनस वाला है इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आपका इक्वल टू के इधर लिखा है आला और ये दूसरा वाला 2 प्लस हो जाएगा और 2 * 2 = 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 16 होता है, ये बन जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए आप लोग का सेकेंड वाला भी आपको सिमिलरली आपको इसमें वही करना है, यानी कि 9 बराबर आपको लिखना है डायरेक्ट 3 आपका ये माइनस का इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 0, 3 + 0 क्या होगा 3 होगा और 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली दोस्तों आपको यही स्टेप आपको 81 - 1 में फॉलो करना है। तो यहाँ भी दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए 81 बराबर क्या होगा, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 और प्लस 8, तो 1 और 8 मिलके क्या हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 81 होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 64 - 4 का बताना है, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों 64 का जगह पे हम लोग 64 लिखेंगे और ये 4 माइनस का इक्वल टू किधर जाएगा तो जाएगा प्लस का 4 और 64 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है आप सभी जानते हैं दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 64 आप लोग का दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है और 8 बनाने के लिए दोस्तों हमें 4 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 4 और 4 = 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इसलिए दोस्तों आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट वाला, इसका आंसर आएगा राइट आंसर इसका 4। आई होप दोस्तों आप लोग का ये टॉपिक जो ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्या लॉजिक लग रहा था इसमें, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अब आप लोग हमें व्हाट्सअप ग्रुप पर भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि किसी कूट भाषा में आपका लिखा गया है DICKINSON, ठीक है, यहाँ पर इसको लिखा जाता है 357950210 और डिप को लिखा जाता है 3566 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। ओके तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे कि डी है, यहाँ पर समझिए डी की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू आपकी 5 है, सी की वैल्यू आपकी 7 है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी डी की वैल्यू क्या है 3 है। बस ये जो आपके कैरेक्टर दे रखे हैं उनकी ये वैल्यू दे रखी है और आपको इसी आधार पर बताना है पिकनिक को कैसे लिखें। तो देखिए पी के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने डिप में जो पी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, पी नंबर जो पी कैरेक्टर इसके लिए जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वो 6 कर रहे हैं। तो देखिए पहला वाला 6 है, देखिए 6 तो सभी मिल गया आपका, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन में से कौन सही हो गया, देखिए आई वी सभी मिल रहा है, देखिए 65 तो सभी लिखा है लेकिन कहीं कहीं पे 7 लिखा, तो सीधे हम लोग मिलाएंगे एन। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो सीधे आप लोग एन देखिए, एन को पकड़िए, जो आपका एन लिखा हुआ है ये एन, तो यहाँ आप लोग बताइए कि एन के नंबर पे जो एन कैरेक्टर्स के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये एन बना हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 7 के बाद 0 किस में है, तो ये 0 वाला आपका ये रहा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये करेक्टर आपको दिए गए हैं और उनकी वैल्यू आपको दी गई है और बस वही वैल्यू आपको ये पिकनिक में पुट करनी थी और इससे आप लोग का आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर।
अब ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है। ओके, छह व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, दूसरा है बी, सी, डी, ई, एफ। इस प्रकार ये छह व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये दो पंक्तियों में यानी कि प्रत्येक में तीन तीन व्यक्ति बैठते हैं, दो लाइनें हैं, आमने सामने से मान सकते हो। इस पहली लाइन में आपके तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, दो लाइनें इस तरीके से बैठे हुए हैं, पहली लाइन में तीन लोग बैठे हैं और दूसरी लाइन में इस तरीके से तीन लोग बैठे हुए हैं। यदि ई जो है वो किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी जो है एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर है, सी एवं ई जो है अगल बगल बैठते हैं, एवं सी जो है वो डी के विकटता सामने बैठता है, और बी एवं एफ जो है अगल बगल बैठते हैं, तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन रहे, फर्स्ट है आपका ए, सेकंड ऑप्शन है ई, थर्ड ऑप्शन है सी और फोर्थ ऑप्शन है डी। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में इस क्वेश्चन को कौन लगा पाता है। ठीक है, छह व्यक्ति आपके दिए गए और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, कोशिश कीजिए लगाने की। आई होप दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए दोस्तों लगाते हैं इस क्वेश्चन में, करना क्या ये बताते हैं आपको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के छह व्यक्ति हैं, एक है आप लोग का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये छह व्यक्ति हैं आप लोग के, क्लियर है? ओके, समझते रहिएगा दोस्तों। और ये सब कैसे बैठे हैं दोस्तों, दो पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में तीन तीन बैठे हुए, जैसा कि क्वेश्चन में अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है ना। प्रत्येक में जो है तीन व्यक्ति बैठते हैं, यदि ई जो है वो किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई जो है दोस्तों ये किसी पंक्ति के अंत में नहीं, अब तीन तीन लोग बैठते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब ई जो है दोस्तों या तो आप लोग का यहाँ पर हो सकता है या फिर आप लोग का यहाँ पर हो सकता है। अभी हम लोग मान लेते हैं आपका ई जो है या तो यहाँ होगा या फिर दोस्तों मान ले रहे ई जो है आपका यहाँ पर होगा। अब अगला पढ़िए दोस्तों, डी जो है वो एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर है, डी जो है वो एफ के बाएं ओर है। अगर दोस्तों मान लीजिए डी आपका जो है यहाँ पर है, एफ अगर आपका यहाँ पर है, तो इसके बाएं ओर दोस्तों कौन है, डी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो डी है वो एफ के बाएं छोर पर है, तो बाएं छोर पर मान लिया, ठीक है, या तो आपका यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। समझते रहेगा दोस्तों एक एक बात को यहाँ पर। उसके बाद देखिए पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, सी एवं ई जो है अगल बगल बैठते हैं, सी और ई जो है अगल बगल बैठे हैं, तो पास पास बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर तो दोस्तों ई हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह फुल हो गई हैं, तो यानी कि आपका ई वैल्यू यहाँ ना होगी, यहीं पर होगी। और जी क्या आपसे कहा जा रहा है कि सी और डी जो है वो अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, क्या बोला था, सी एवं ई जो है वो अगल बगल बैठते हैं, तो सी या तो आपका यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, अब ये भी बात क्लियर नहीं है। और यहाँ पर देखिए सी जो है वो डी के विकटता सामने बैठा है, अब ये चीज़ बता दी गई, सी जो है वो डी के विकटता सामने बैठा, यानी कि सी दोस्तों कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा, ना कि यहाँ पर। ओके, और पढ़िए दोस्तों, बी एवं एफ जो है वो अगल बगल बैठे हुए हैं, बी और एफ, तो एफ यहाँ पर तो बी यहाँ पर होगा, ये फिक्स हो गई बी की वैल्यू। बचा गया दोस्तों आपका ए, बचा तो ए हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बताना था तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है दोस्तों, तो बी के सामने दोस्तों कौन बैठा है आपका, बी के सामने बैठा है आप लोग का ई, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या दोस्तों बना सिस्टम आपका। इस तरीके से लोग बैठे हैं, ए, ई, सी और नीचे बैठे हैं दोस्तों डी, बी, एफ, इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं ये आपके। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि बी के ठीक सामने कौन बैठा है, तो बी के ठीक सामने बैठा है ई। तो दोस्तों इसका आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका आप लोग का ई। आई होप दोस्तों आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको डाइस टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करा भी दिया है। ओके, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं और आपको बताना है, अगर लाल जो है अगर किसी पृष्ठ पर है तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में कौन सा रंग वाला सरफेस होगा, सफ़ेद, भूरा, पीला या फिर हरा। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, मैंने आपको ये पहले भी दोस्तों इसका टेक्निक और लॉजिक बताया था दोस्तों। तो क्या होती है इसकी ट्रिक लगाने की, आई होप आप सभी लोग लगा भी सकते हैं। फिलहाल जो चैनल पर नए हैं उन्हें शायद ना पता हो तो उनको बता दें दोस्तों, मैंने जो है आप लोग का डाइस टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ओके, डाइस यानी कि पासा, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप में आप लोग को एडमिन का नंबर दिया होगा तो आप लोग उस एडमिन नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप लोग को टॉपिक चाहिए होगा उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों फिलहाल आपको बता देते हैं इसमें करना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको चाहिए क्या इसमें, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंग होगा, वो सॉरी कौन सा रंग होगा। तो देखिए लाल यहाँ पर है आपका, देखिए ये काला है, सफ़ेद, पीला, यहाँ पर है लाल, काला, हरा। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले चेक कीजिए दोस्तों,
इन दोनों पासों में देखिए कि एक कॉमन कलर कौन सा है। सबसे पहले ये चेक करना, देखिए यहाँ पर काला है, सफ़ेद और पीला है। पहले वाले में काला, सफ़ेद, पीला है, और दूसरे वाले में देखिए क्या है आपका, लाल है, काला है और हरा है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका सेम कौन सा मिला आपको, काला और काला, ठीक है, ये सेम दिख गया आपको कलर। अब काले को मान ले रहे ब्लैक, तो ब्लैक को बी से रिप्रेजेंट कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए, या तो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलिए या फिर क्लॉकवाइज चलिए। जैसे कि मैं दोस्तों इस तरीके से चलने वाला हूँ, इस तरीके से मैं घूमने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब समझिएगा दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो काले के बाद दोस्तों आ रहा है यहाँ पर सफ़ेद, और सफ़ेद के बाद आया पीला, यानी कि काले के बाद आया दोस्तों हमारा, एक मिनट, काले के बाद आया सफ़ेद और सफ़ेद के बाद आया पीला। तो ये लिख लेंगे हम लोग, काले का मतलब ब्लैक लिख ले रहा है, उसके बाद आया वाइट यानी कि सफ़ेद, और सफ़ेद के बाद आया पीला, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमें इसमें चलना, देखिए यहाँ पर काले के बाद क्या आ रहा है, हरा आ रहा है, और हरे के बाद लाल आ रहा है, तो यहाँ पर ब्लैक के नीचे ब्लैक, ठीक, उसके बाद आ रहा हरा यानी कि ग्रीन, और उसके बाद आ रहा है दोस्तों लाल यानी कि रेड, ठीक है। अब ये जो आपके जो कलर आए हैं, जैसे कि आपका W के नीचे G आ रहा है, Y के नीचे R आ रहा है, B के नीचे B आ रहा है, तो B नहीं होगा यहाँ पर, जो बचा हुआ कलर होगा वो होगा जो कि आपका है ब्राउन, ठीक है, भूरा कलर रह गया, तो यहाँ पर होगा भूरा कलर। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लाल के अपोजिट साइड में कौन सा होगा, तो लाल जे रंग रहा, इसके अपोजिट साइड में कौन सा कलर होगा, ये होगा येलो, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये होगा आपका पीला। आई होप दोस्तों आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ओके। तो जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, या तो आप लोग क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद दोस्तों आप लोग के जो भी अपोजिट कलर होंगे उनका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो कोई सा भी मुझसे यहाँ पर कलर पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर आराम से आप लोग बता सकेंगे कि कैसे उसको लगाना है, ओके। चलिए सिंपल से एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर डिवाइड है, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ यहाँ पर एडिशन है, और आप जो आप लोग का डिवाइड है, इसका दोस्तों मीनिंग यहाँ पर दे रखा है माइनस, सब्सट्रैक्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो सिंपल से तो यहाँ पर प्लस का क्या बनाना है, इसका प्लस को बनाना है डिवाइड, ठीक है, मान लिया प्लस को इतनी कर दिया डिवाइड, ओके। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दिया, और डिवीजन का अर्थ है यहाँ पर माइनस, तो माइनस कर लिया। अब बोर्ड मास का रूल आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, बोर्ड मास नहीं पता है तो बता दे रहा, बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसमें ब्रैकेट है नहीं तो नहीं करना है, उसके बाद ऑफ यानी कि काला होगा तो करते, नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है डी, डी फॉर डिवीजन, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड, तो 9 और 5 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, 9 5 45, तो इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 5, और डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बन जाएगा 15, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका 15, उसके बाद जोड़ेंगे तो 15 और 15 जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, और लास्ट में करेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट -2, तो 30 में से 2 गया दोस्तों, कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा 28, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन तो नहीं। तो बोर्ड मार्क्स का रूल याद रखना आप लोग, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को इसी आधार पर लगाने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों की गायकों को दर्शाती हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर चित्र में, जो कि भारतीय नेता और गायकों को दर्शाती हैं, तो आपको इसमें से ये बताना है, इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो कि एक भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, उसकी संख्या क्या होगी। तो आपको बताना दोस्तों, भारतीय नेता तो हो लेकिन वो सिंगर ना हो, तो आपका देखना है, यहाँ दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, फिर छठा होगा। तो देखिए भारतीय नेता तो ये रहा आप लोग का, ये देखिए भारतीय वाला का सर्कल है, ये नेता के लिए सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये गायक सिंगर के लिए है। तो भारतीय नेता हो लेकिन सिंगर ना हो, तो भारतीय नेता दोस्तों आपका कौन सा होगा, ये हो गया आपके भारतीय नेता, लेकिन जो वाला ये नंबर है ये आपका सिंगर भी है, तो बचा दोस्तों कौन सा नंबर, 2 बचा, तो यही वो भारतीय नेता है जो कि सिंगर नहीं है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला 2, क्लियर, ओके। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग का क्या है यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोग के लिए है, और ये जो है रिलेशनशिप टॉपिक से है, जैसे कि क्वेश्चन है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध होगा। तो इसका जवाब जो है आप लोग हमें कमेंट में बताएगा, देखते हैं यहाँ पर ये जो है रिलेशनशिप टॉपिक जो है किससे आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर इनकेस अगर आप लोगों से नहीं लगता है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ओके, आप लोग हमें बता सकते हैं, ओके। फिलहाल इसके ऑप्शन आपको बता देते हैं, ऑप्शन है दादा,
चाचा मामा परदादा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जवाब आप लोगों में कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग का दिया गया है ये, और मैंने आप लोग को जैसे कि सेलॉक्स जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो भी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, जैसी आप लोग की रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए क्या दिया गया। स्टेटमेंट दिया गया आपको, कुछ पक्षी बादल हैं, घोड़ा एक पक्षी है, ये आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, और उसका निष्कर्ष आपको दिया गया कि कुछ बादल पक्षी हैं, घोड़ा बादल नहीं है, ये आपको दो निष्कर्ष दिए गए। अब आपको ये बताना है कि ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है निष्कर्ष फर्स्ट लागू होता है, ऑप्शन बी है आपका निष्कर्ष सेकंड लागू होता है, ऑप्शन आपका थर्ड दिया है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड इनमें से कोई भी लागू नहीं होता है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, ये देखिए आपका जो फर्स्ट वाला ये है आपका आई वाला और ये है आपका केस ए वाला, और मैंने आपको बताया था कि आई को जो है आई में चेंज किया जा सकता है, यानी कि ये लिखा है कुछ पक्षी बादल हैं, तो हम लोग दोस्तों पक्षी बादल क्या कर कर सकते हैं, इसका बादल पक्षी बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पक्षी बादल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ बादल पक्षी भी होंगे, तो ये रहा पहला वाला ऑप्शन, वही दोस्तों मैच हो गया आपका, कुछ बादल पक्षी हैं तो कुछ पक्षी बादल हैं, यानी कि दोस्तों केवल जो है आपका निष्कर्ष फर्स्ट ही लागू होता है, इसलिए जो उसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका फर्स्ट वाला। आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा, और जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग हमारी साइलॉगिज्म की जो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने टॉपिक जो है कंप्लीट कराया, एक एक क्वेश्चन को वहाँ से अगर आप लोग समझ लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आएगा वो आपका मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, दिया गया तीन चीज़ें दी गई, एक है साग भक्षी, एक है बाघ और एक है पशु, तो इन तीनों में सही रिलेशन वाला डायग्राम कौन सा होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा दोस्तों, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, तो आपको बताया दोस्तों, देखिए पशु की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पशु ये जो बड़ा वाला ब्लॉक हो गया पशु के लिए हो गया। अब इसमें पशु में देखिए क्या आते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो मान लिया दोस्तों ये शाकाहारी के लिए ग्रुप के लिए हो गया, और ये दोस्तों जो हो गया आपका मांसाहारी के लिए हो गया। अब मांसाहारी में दोस्तों बाघ आएगा, तो ये गोला बाघ के लिए हो गया, ये शाकाहारी के लिए, बड़ा वाला गोला दोस्तों पशु के लिए, क्योंकि पशु में आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं, इसलिए दोस्तों जो आप लोग का आंसर होगा ये होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ओके, अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से आप लोग का यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया लाभ, लाभांश और बोनस, तो दोस्तों इसके लिए सही डायग्राम कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं लाभ क्या है, एक लाभ है, देखिए लाभांश की बात करें दोस्तों, लाभांश भी हमें लाभ से ही मिलता है, और बोनस भी दोस्तों हमारा एक लाभ का ही एक रूप है, इसलिए इसका जो सही डायग्राम होगा वो होगा आप लोग का फोर्थ वाला, क्योंकि ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये हो गया लाभ, और ये छोटे छोटे दो सर्किल हैं, तो इसमें ये वाला सर्किल हो गया आपका लाभांश के लिए और ये सर्किल हो गया बोनस के लिए। ठीक है ना, आप आई होप आप लोग का क्लियर हो रहा होगा ये। तो जब भी इस टाइप के अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को इसी तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी आकृति प्राप्त नहीं होगी, ये क्वेश्चन दिया गया, अगर हम इसको रोटेट करते करते रहते हैं तो इनमें से कौन सा डायग्राम नहीं बनेगा। देखिए फर्स्ट वाला आप लोग देख सकते हैं, ये आपका एल ऐसा बना है तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे बना दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका एल अगर ऐसे बना है तो इसको दोस्तों अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जो ऐसे ही बन सकता है। ठीक, अब थर्ड वाला डायग्राम देखिए दोस्तों, इसको अगर हम 90 डिग्री और रोटेट करें तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, और आपका थर्ड ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ दोस्तों एल ऐसा बनेगा जब आप लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया ऐसा एल बन रहा है, तो इसलिए दोस्तों आपका तीसरा वाला ये जो एल बना हुआ है ये कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका यही वाला होगा थर्ड वाला, बाकी ये और ये बिल्कुल करेक्ट हैं, और आप लोग का जो राइट आंसर है वो है आपका ये, क्योंकि अगर हम जो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर हम रोटेट करते रहें जितनी मन मन चाहें उतनी बार रोटेट करें, लेकिन आपका थर्ड वाला ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों ये डायग्राम ऐसा डायग्राम है जिसका रोटेट करने पर नहीं बनेगा, और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं होगी इस आकृति को घुमाने पर। क्लियर, ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बताना दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा, ये बताना दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, और इसका रिप्लाई आप सभी लोग कमेंट में बताएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, इस फिगर को कंप्लीट करना है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आएंगे, तो आपको बता दें। ठीक है ना, तो कैसे करना है इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बताएगा, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों करना है क्या आपका,
यहाँ पर देखिए इस तरीके से डायग्राम बन रहा है, तो सेम दोस्तों यहाँ पर भी क्या करेंगे आपका इस तरीके से डायग्राम ही बनेगा। ओके अब देखिए ये शेप किसमें बनी है दोस्तों आपकी, इसमें तो नहीं बनी है ठीक है, और इसमें भी नहीं बनी है। अब आपका देखिए यहाँ बच्चा सेकेंड और थर्ड वाला, अब इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है ध्यान से देखिए, सेकेंड और इसमें से कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपका सेम है और इसमें भी सेम है। अब यहाँ देखिए दोस्तों किस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए किस तरीके से बन रहा है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कैसे बनेगा ये आपको बताएं दोस्तों। अब आपके सामने दो ऑप्शन, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा जी हाँ बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो आप लोग का राइट आंसर है ठीक है, ये आप लोग का फोर्थ वाला यानी कि ये करेक्ट है, ये आपका गलत है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन है और आपको बताएं दोस्तों इस डायग्राम को अगर आप लोग कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों इस स्थान पर कौन सा पोर्शन आएगा आपका, ये आएगा ये या फिर ये, तो क्या आएगा दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और इन केस अगर आप लोग के समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पर भी अब आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। ओके चलिए दोस्तों फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, और ये बताएं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो डायग्राम जो है इन चारों ऑप्शन में से किस में है, इस तरीके से शेप बना हुआ है ये आपको पहचान है किस में, देखिए देखिए इसमें बन रहा है, इसमें ये तो कट तो बन रहा है लेकिन ये चीज़ नहीं बन पा रही, तो ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं बन पा रहा है, इसमें भी आपका नहीं बन सकता लेकिन इसमें बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें आपके कैसे बन रहा है। तो दोस्तों आपको ये बताना है ये जो डायग्राम है किसमें सन्निहित है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीधे मिल गया ठीक है, ये जो आकृति इस तरीके की दे रखी थी ये आपकी आकृति मिल गई पहले वाले ऑप्शन में ही, और इसलिए पहला वाला आंसर ही सही हो गया, इन तीनों में नहीं है, ये सब गलत है। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक यहाँ पर आपको चेक करना है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों व शब्दों को संख्या को यहाँ पर चूज करना है। तो पहला ऑप्शन आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर देखिए 23 में 23 का हो गया यहाँ पर 13, तो उसी तरीके से 54 का दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 40, 41, 44 या फिर 39, तो फिलहाल इसका रिप्लाई आप लोग हमें कमेंट में बताएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में इस लॉजिक को कौन समझ सकता है। ओके चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर देखिए 24 में आपको क्या दिया गया है, 17 का बनाया है इन लोगों ने 24, उसी तरीके से आपको 153 का बताना है क्या होगा। अब देखिए इसमें लॉजिक पहचानना है आपको क्या करना है, देखिए तो आपको बताएं दोस्तों 79 दोस्तों कितना होता है, 153 होता है, तो उसी प्रकार दोस्तों 24 क्या होगा, 24 आपका क्या होगा, तो ये दोस्तों आप लोग का बन जाएगा 216, यानी कि दोस्तों राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 216। ओके ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए AFKP को लिखा जाता है BGLQ, तो उसी प्रकार आपको CHMR का बताना दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों देखिए ए है तो यहाँ पर बी कर दिया, एक बढ़ा दिया, एफ है तो जी कर रहे हैं, के है तो एल, तो पी है तो क्यू, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी है तो आ जाएगा डी, एच का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा एन, और आर का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका आ गया DINS ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका मिल गया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन देखना, देखिए यहाँ पर क्या है 6415 का बनाया है इनने 5304, इसी प्रकार आपको 7896 का बताना दोस्तों आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सभी में एक एक नंबर कम हो रहा है ठीक है, 6 का कम एक कम किया तो हो गया 5, 4 में एक कम किया 3 हो गया, 1 में एक कम किया 0 और 5 में एक कम किया 4 हो गया, तो उसी प्रकार दोस्तों आपका 7896 में क्या होगा, 7 में एक कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, 8 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 7, 9 में कम करेंगे तो हो जाएगा 8 और 6 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6785, क्लियर ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिए क्या है, समाचार पत्र में दोस्तों आपका यहाँ पर कॉमन होना है पाठक, तो उसी प्रकार रोटी के लिए क्या होगा, तो आपको बता दें समाचार का प्रकाशन जो है पाठक के लिए किया जाता है ठीक है, जो समाचार पत्र जो पब्लिश होते हैं ये दोस्तों रीडर्स के लिए इनका किया जाता है, उसी प्रकार रोटी जो है वो उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है, ना कि गेहूं के लिए बनाई जाती है, खरीदार के लिए बनाई जाती है, बेकर के लिए, तो ये उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है, इसका राइट आंसर आपका उपभोक्ता होगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लावर को लिखा जाता है RE WOLF,
ठीक है, उसी प्रकार फ्रूट्स को क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या लिखा है फ्लावर को, ने एफ एल ओ का दोस्तों इन्हें लास्ट में कर देते हैं, ये एफ एल ओ ऐसे लिखा है, एफ एल ओ देखिए ठीक है। और डब्ल्यू ई आर को दोस्तों इन्हें क्या लिखा है यहाँ पर, आर ई डब्ल्यू, ठीक है आर ई डब्ल्यू, तो इस प्रकार इसके कोडिंग इनने कोडिंग की है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको फ्रूट्स का बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पर एफ आर यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यू आर एफ, ठीक है। जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर एफ आर यू है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर यू को लिख सकते हैं हम लोग एफ आर यू, ठीक है। और लिखा है आई टी एस, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग दोस्तों क्या, आई टी एस, ठीक है आई टी एस, तो कौन सा बन गया आपका ऑप्शन, एस टी आई यू कहाँ लिखा है, एस टी आई यू आर एफ, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। यानी कि इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, ये है आप लोग का थर्ड वाला। ओके तो फिलहाल दोस्तों आज की इस रीजनिंग की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई होप सभी आप सभी को दोस्तों आज के क्वेश्चन काफ़ी पसंद भी आएंगे, तो वीडियो को दोस्तों आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन इन केस अगर आपके क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। फिलहाल आई होप आप सभी का सब कुछ क्लियर हो भी गया होगा। ओके कोई भी कन्फ्यूजन तो बता सकते हैं बिल्कुल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।